हे बॉट, सब बड़ी क्या हाल चाल, सब मजे में मस्त बेहतरीन जनता। तो बॉट, आज आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका है ब्रांड न्यू बॉट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वाले एपिसोड में हमने जमीन के अंदर बहुत गहरा गड्ढा किया था, जिसके अंदर हम इस गधे को फेंकने वाले हैं, और वो गड्ढा हमारा अधूरा रह गया था, इसलिए आज इस गड्ढे को हम पूरा करेंगे। मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया था पिछले वाले एपिसोड में। भाई साहब, काफी ज्यादा मेहनत की थी, इधर TNT लगाकर हाथ से माइन कर काफी गहरा चंक हमने खोद लिया था, लेकिन ये अधूरा रह गया था। और उसके बाद गाइज मेरे एग्जाम्स स्टार्ट हो गए और अपना ये काम ऐसे ही अधूरा पड़ा रहा, लेकिन आज इस कार्य को हम संपन्न करेंगे। वैसे अभी भी तुम्हारे भाई के एग्जाम्स ही चल रहे हैं, लेकिन अभी अगले एग्जाम में थोड़ा सा गैप है, तो मैंने सोचा, जी हाँ गाइज, मैंने सोचा, तुम्हारा भाई कभी कभी सोच भी लेता है, मैंने सोचा कि अपने अधूरे काम को पूरा ही कर लेते हैं। और ये पिछले वाले एपिसोड में साइड से भी रह गया था, तो मैं इसको साइड से माइन करते हुए बाई लेवल 0 कोऑर्डिनेट पर लेकर आ चुका हूँ। अभी गई बस हमको बेडरॉक तक और जाना है और अपना चंक जो है कंप्लीट माइन हो जाएगा, तो सारा मामला रेडी है। अभी बस हमको हथियार उठाना है और बोलना है जय माहिष्मती, बाहुबली पधार चुके हैं। बाहुबली अपने स्वागत में पुष्प वर्षा करेगा। इन XP पोर्टल को बखेरना भी जरूरी है गाइज, क्योंकि मेरी ना पिकेक्स की हेल्थ एक बार तो बिल्कुल ही लो हो चुकी है, पर अच्छा है मेरे पास XP पोर्टल की कमी नहीं, तो मैं इनको तुरंत का तुरंत रिपेयर कर लेता हूँ। इट्स ए टेक्निक द बॉट टेक्निक। तो तुम्हारे भाई ने माइनिंग स्टार्ट कर दिया गाइज, और अभी देखना कैसे झेड फेड में इस कंप्लीट चंक को बेडरॉक तक माइन कर देता हूँ। गाइज आपने एक बार आंखें बंद करना, और जैसे ही आंखें खोलोगे तो मैं कंप्लीट चंक को माइन कर दूंगा। चलो तो आप लोग अपनी आंखें बंद करो, मैं अपना मंत्र फूंकता हूँ। तो ओम घीम तीम छोटा भीम स्वाहा। अरे ये तो चंक माइन ही नहीं हुआ। अरे हाँ गाइज, मैं ना भूल गया था, ये वाला जो मंत्र था ना, ये 1.19 के लिए था, और अभी 1.20 के लिए न्यू वाला मंत्र अभी आया नहीं है, तो हमको हाथ से ही माइन करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसको हाथ से माइन कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो चमत्कारी बाबा है ना, जिनसे मैं मंत्र बनवा कर लाता हूँ, वो अभी ना अमेजोन के जंगलों में तपस्या के लिए गए हुए हैं, वरना मैं उनसे 1.20 की माइनिंग का मंत्र भी पूछ लेता, लेकिन मैं उनकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता, इसलिए उनको तपस्या करने दो, तब तक मैं हाथ से माइन कर लूंगा। तो अभी गई जी टेक्निक नंबर 2 को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, क्योंकि हाथ से माइन करना, वो भी डीप स्लेट को, बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब हम अपनाएंगे दूसरी टेक्निक। इसके लिए पहले मैंने बना लिया ये बाला, उसके बाद मैंने उठा लिया ये बाला और मैं चल दिया इधर। मैंने लगाया एक घास का ब्लॉक और इसके ऊपर मार दिया हड्डियों का चूरमा, और देखो किस तरीके से घास इस डीप स्लेट के ऊपर फैल चुकी है। अब ये सारा डीप स्लेट घास में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा था, बच्चा तुझे पर्यावरण को बचाना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर पृथ्वी पर हरियाली फैलानी है। इसलिए गाइज मैं चमत्कारी बाबा का आशीर्वाद लेकर निकल चुका हूँ हरियाली फैलाने। आज तो गाइज इतनी हरियाली फैला दूंगा कि जो पर्यावरण पूरा ही सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, वरना फिर फिल्टर का पानी और नल है। तो देख लो गाइज कितनी आसानी से मैंने सारे डीप स्लेट को मॉस ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, और मॉस ब्लॉक को हम बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि यार डीप स्लेट को माइन करते करते ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ये भी ऑब्सीडियन की तरह ना हार्ड ब्लॉक है, इसको माइन करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस डीप स्लेट को मॉस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मॉस ब्लॉक को तोड़ना काफी ज्यादा आसान है, और इसको अगर हम हुई से माइन करें तो काफी फास्ट, बहुत ज्यादा जल्दी माइन हो जाता है। एक तो अपने पास वीकन की हेस्ट पावर है, ऊपर से अपनी कोई भी फुल्ली इंजेंटेड है, तो अभी बस आग लग जाएगी गाइज, बिल्कुल आग। देखो कितनी फास्ट तरीके से एक लेयर मैंने माइन कर दी। इसको बोलते हैं गाइज टेक्निक। ये वाली टेक्निक मैंने अरब के रेगिस्तानों में सीखी थी, वो इसी तरीके से डीप स्लेट को मॉस ब्लॉक में कन्वर्ट करके माइन करते हैं, इसलिए मैं भी इसी तरीके से माइन करूंगा, हम क्या किसी से कम है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है इस वाली माइनिंग में, इसमें यार बोन मिल बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो मॉस हमको मिल रहा है ना, इसी को हम बोन मिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं गाइज टेक्निक, पूरी टेक्निक है अपनी टेक्निक। देखा, टेक्निक लगाकर मैंने एक कंप्लीट लेयर को बड़ी आसानी से माइन कर दिया। पर ये चिरकुट से ब्लॉक कैसे बच गए वे, तुम भी हटो, साइड में हटो। आज बॉट जो है बिल्कुल माइनिंग के मूड में है, आज कंप्लीट चंक को नीचे बेडरॉक तक माइन करके ही छोड़ेगा, उससे पहले तो रुकेगा ही नहीं। चलो तो गाइज लेकर चमत्कारी बाबा का नाम करते हैं पूरा ये वाला काम।
पहले हमने मारा ये बाला, उसके बाद हमने मारा ये बाला, और उसके बाद हमने ये बाला मार के कर दिया खत्म। ये एंडरमैन पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा था, शायद रास्ता भटक गया था, पता नहीं है इसको बॉट इधर सीक्रेट मिशन पर है। गाइज मैं फिर से हाथ से माइनिंग पर आ गया क्योंकि मैं लूट चुका हूँ, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, मैं कंगाल हो चुका हूँ। एक परदेसी मेरा दिल ले गई और जाते जाते 239 वाला रिचार्ज भी करवा लिया। उरे उरे भैया यू क्या है भैया, यू तो डायमंड है भाई। बीरपाल आज तो मौज आ गई भाई, आज तो डायमंड मिल गए तुम्हारे भाई है। एक बार देख लें कि कितने डायमंड है, मेरे हिसाब से तो ये 2 फुटी नहीं यार 4 डायमंड है इधर तो। गए जी चलो कोई बात नहीं, 4 भी वैसे ज़्यादा नहीं है। वैसे यार हमको ये चाहिए ही नहीं क्योंकि तुम्हारे भाई के पास इतने डायमंड है, इतने डायमंड है, इतने डायमंड हैं। चलो नहीं बता रहा कितने डायमंड हैं, इनको ले ही लेता हूँ। 4 डायमंड है, इनको मैं फॉर्चून 3 से माइन करूँगा तो ज़्यादा मिलेंगे। डायमंड को मैंने इतना माइन कर लिया कि मैं तो भूल भी चुका हूँ कि इसको कैसे माइन करते। इन 4 डायमंड से मेरे को क्या ही मिलेगा अब। वैसे मिला तो है, देखते हैं यार अपनी इन्वेंट्री एक तो भर गई, इतना कबाड़ा भरा पड़ा है ना गाइस इन्वेंट्री में, मैं क्या ही बताऊँ आपको। काम की टेंशन बहुत ज़्यादा है आजकल खोपड़ी में, लेकिन कोई बात नहीं 10 डायमंड मिल गए, खोपड़ी शांत हो चुकी है। चलो अभी आगे की माइनिंग कर लेते हैं। और यार अभी तो हम बाई लेवल -9 पर ही आए हैं और बेडरॉक मेरे हिसाब से -60 पर होता है या -58 या 59 पर बेडरॉक आने लगता है, क्योंकि डायमंड की माइनिंग हम उसी लेवल पर करते हैं तो तब बेडरॉक आ जाता है। हिसाब लगाकर चलें तो अभी भी हमको काफ़ी माइनिंग करनी है, लेकिन मैं अलग अलग टेक्निक से माइन करता हूँ। अभी टेक्निक नंबर 3 को इस्तेमाल करेंगे और वो है विस्फोट टेक्निक। जमीन के अंदर बारूद बिछा दूंगा और जमीन के अंदर इतने TNT फोड़ूंगा कि ये जमीन ऑटोमेटिक माइन हो जाएगी। सडनली मेरे को याद आया पिछले वाले एपिसोड के गई जब ने कुछ TNT बच चुके थे, तो मैंने सोचा जमीन के अंदर इनको फोड़। ओ भैया तेरी की गई जी, ये कहाँ फेंक दिया मेरे को यार। उरा भैया ये कौन हो रहा है, मेरे को तो मार देंगे भाई ये। इधर टपक गया यार मैं तो चंक माइन कर रहा था, इधर तो यार एकदम गुप अंधेरा है। और ये भैया हुआ मेरे पीछे क्यों पड़े, भैया छोड़ दो मेरे को, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं इधर आ गया। गाइज अगर आज इन्होंने मेरे को मार दिया ना तो मैं फिर कसम से बोल रहा हूँ कि मैं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, रिस्पॉन हो जाऊँगा। लेकिन मैं इनसे पिट क्यों रहा हूँ, मैं इनको पेल भी तो सकता हूँ, तुम्हारी रेलम रेल बना के दूंगा मैं पेल, इनकी ऐसी की तैसी मारूँ। इनकी हिम्मत कैसे हुई बोट के ऊपर हाथ उठाने की यार, मतलब ये मेरे को लगभग मार ही देते। एक तो पता नहीं मैं चंक माइन करते करते इधर कैसे टपक गया, एक तो मैंने इलाइट्रा पहन रखा है ना इसलिए मैंने इनको माफ कर दिया और चुपचाप भाग लिया। अगर मेरे पास चेस्ट प्लेट होती ना फिर तो गई मैं इनकी टांग उठा कर पटकता, बीच में से फाड़ देता सुसुरों को। पता नहीं यार किसी गरीब बंदे की मजबूरी नहीं समझते, एक तो मेरा चंक पता नहीं कहाँ मर गया और मैं इधर आया तो आया कैसे, एक तो यार मेरे चंक का छेद नहीं मिल रहा जिसके अंदर से मैं गिरा था, इधर ही किधर से मैं गिरा था लेकिन पता नहीं कहाँ से मैं गिरा था। ओ गई हाँ ये रहा गई मिल गया, इसी छेद के अंदर से मैं गिरा था यार, काफ़ी नीचे फेंक के मारा है सुसरे ने। और ऊपर से नीचे गिरते ही क्रीपर अपनी छाती पर फट गया, पता नहीं मेरे ही इंतजार में इधर खड़ा था या कोई और रीजन था, अपनी सेटिंग वगैरह का इंतजार कर रहा था। लेकिन गलत बात है क्रीपर की, ऐसे फट जाता है। अब गई मैं इस क्रीपर की केव को ही फाड़ दूंगा TNT लगाकर। ये लगा दिए हमने TNT और इनमें लगा दी हमने आग, अब ये फटेंगे और फाड़ेंगे। जरा हम भी तो देखें बारात कहां तक पहुंची। ओ गाइज केव तक इन्होंने सत्यानाश कर दिया, अब वही ना बराबर की बात, अब देखता हूं कौन सा क्रीपर नीचे खड़ा होता है। इसी तरीके से गाइज अभी ना मैं चारों कोनों में TNT नीचे तक फाड़ूंगा क्योंकि चंक को यार हाथ से माइन करते करते मैं थक जाऊंगा, इससे अच्छा TNT से फाड़ दूं 4 ब्लॉक कोने से दूर ताकि साइड के ब्लॉक ना टूटे, वरना चंक के बाहर के ब्लॉक भी TNT से फट जाते हैं। और अभी मेरे को नीचे 16-17 ब्लॉक नीचे तक TNT लगा कर आने हैं और इनको जलाकर फाड़ देना है, बस चीर दूंगा फाड़ दूंगा जड़ से उखाड़ दूंगा। देखे इस बार कितना नुकसान हुआ है अपने TNT, वैसे काम तो काफ़ी अच्छा करते हैं TNT से यार, मतलब काफ़ी नीचे तक गहरा गड्ढा आ गया। चलो गई केव तक तो इन्हें उन्हें माइन कर लिया, अभी गई मैं क्या करता हूँ इनको ना हाथ से नीचे तक केव तक माइन कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, कौन सी नई टेक्निक लगानी है।
अरे यार, शायद कोई टीएनटी अपने बीकन के ऊपर फट गया। गाइज, अपने बीकन के ये एमरेल्ड के ब्लॉक और टूट गए, पता नहीं अब तक तो गायब हो गए होंगे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा ही नुकसान है, ऐसे नुकसान तो बॉट ऐसे ही चुटकी बजाकर झेल लेता है, क्योंकि एक साथ बॉट तीन तीन पेल नहीं तीन तीन गेम खेल लेता है। चलो तो गाइज, अभी टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मैं मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है बॉट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 79 को, पावर्ड बाय बॉट सर्वाइवल सीरीज। और आज इस वाले एपिसोड में होने वाला है एक बहुत ही खतरनाक मौत का खेल। चमत्कारी बाबा की शक्तियां मैंने अपने चंक के अंदर डाल दी हैं, और अभी इस चंक के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला मौत का खेल होने वाला है। अभी मैं इधर से बहुत लंबी वाली, बहुत नीचे तक, बहुत गहरी MLG करके दिखाऊंगा। MLG हो गई तो ठीक है, वरना फिर तो अपनी टांगे टूटी ही पड़ी हैं। टूट गई, टांगे नहीं, टांगे तो बच गई, अपनी टोटम टूट गई। मेरे को लगता है गाइस ये वाटर बकेट ही खराब थी, इसका पानी ना सर्दियों की वजह से जम गया है, इसीलिए वाटर बकेट जो है नीचे प्लेस नहीं हुई, वरना आप तो जानते ही हो बॉट कितना प्रो है, MLG तो ऐसे चुटकी बजा कर देता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, बाल्टी का पानी जम गया। चलो गाइस इसको छोड़ो, अभी ना मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक वाली चीज दिखाने वाला हूँ, उससे पहले अपने चमत्कारी बाबा की सारी शक्तियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अभी मैं बाई लेवल -40 पर तो आ चुका हूँ, बस अभी मेरे को नीचे बाई लेवल -60 तक और जाना है, तो ज्यादा माइनिंग बची नहीं है गाइस, अपना चंक अभी कम्प्लीट माइन होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस मैंने ना इस केव को एक्सप्लोर किया था, और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को इस केव से घंटा कुछ नहीं मिला, बस एक अच्छी चीज़ मिली थी, उसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अरे यार, ये केव है क्या है? ये शायद भूतिया केव है, इसके अंदर किसी ने टोना टोटका कर रखा है। देखो गई जी है वो बढ़िया सी चीज़, मेरे को इधर ना एक डायमंड का ब्लॉक मिला था, मतलब ये डायमंड का ओर, और इससे मेरे को एक ही डायमंड मिला है। लेकिन ये वो वाली कमाल की चीज़ नहीं है, कमाल की चीज़ इसके आगे है। देखो गाइज इधर भी मेरे को दो डायमंड के और मिले थे, लेकिन ये भी कमाल की चीज़ नहीं है, कमाल की चीज़ इसके आगे है, कमाल की चीज़ तो इसके आगे है। देखो गाइज इस वाली केव के अंदर मैंने ब्लैक होल की खोज कर ली। देखो गाइज सामने आपको ब्लैक होल दिख ही रहा होगा, तो जाकर कोई नासा वालों को बता दो कि बॉट ने ब्लैक होल की खोज कर ली है, जाकर उसको उठा लाओ। लेकिन नासा वालों को ये भी बता देना कि बॉट फ्री में उनके लिए काम नहीं करेगा, बॉट को इस खोज के बदले 3 करोड़ रुपया चाहिए। तो जाओ यार, बता दो कोई नासा वालों को जाकर कि बॉट ने ब्लैक होल खोज लिया है, बॉट सर्वाइवल वर्ल्ड में ही है एक केव के अंदर, अभी उनको स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। और उनको ये भी बता देना कि मैं सरकार से इनाम भी लूंगा, मेरे को सरकार से 25 लाख का चेक चाहिए। तो बस गई जी, इतना ही मामला है। बाकी एक छोटी सी चीज, मेरे को इस केव के अंदर ये स्पाइडर नहीं स्केलेटन स्पॉनर मिला था, इसलिए मैं आपको इस केव को दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार हमको इस वर्ल्ड में पहला स्पॉनर मिला है, वो भी स्केलेटन स्पॉनर है, तो अपनी ना मौज आ जाएगी। आप बताओ गई इस स्केलेटन स्पॉनर के साथ हमको क्या करना चाहिए आगे चलकर, स्केलेटन फार्म बनाए या इसके साथ और कुछ कर सकते हैं? और दूसरी वजह ये है इस केव को दिखाने की, कि जब मैं इस केव को एक्सप्लोर कर रहा था ना, व्हेन आई एक्सप्लोर करिंग दिस केव, वन आइडिया कमिंग इन माई माइंड, मैंने सोचा क्यों ना यार इस केव के अंदर एक अंडरग्राउंड सिटी या अंडरग्राउंड विलेज बना लिया जाए, गाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे भी यार हम चंक के नीचे ना कुछ बनाने की सोच रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ इस केव के अंदर एक अंडरग्राउंड सिटी बना लेते हैं, अंडरवर्ल्ड के लौंडों की अंडरग्राउंड सिटी हो जाएगी। तो बोलो गई जी क्या बोलते हो, अगर आपका जवाब है हाँ तो लिखो नो, अगर आपका जवाब है ना तो लिखो यस। और बस अभी मेरे को माइन करने दो, अभी मेरा मेन टारगेट है इस चंक को नीचे बेडरॉक तक माइन करना, तो जल्दी से अपनी जादुई शक्तियों को प्राप्त करते हैं, उसके बाद अपनी माइनिंग प्रारंभ करते हैं। तो ये ले ली हमने पिरामिड से जादुई शक्तियाँ, और अभी ना गई जो मैं हाथ से ही माइन करूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा माइनिंग बची नहीं है, -Y level 40 पर तो हम हैं ही, -Y level 60 पर हमको जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से कंप्लीट चंक को माइन कर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप एक काम करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और मिलकर 2-3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लो, मिलकर कुल्लू मनाली चलेंगे, सर्दियों का टाइम है। तो गाइज काफ़ी माइनिंग कर ली है, अभी Y level -58 पर तो आ चुके हैं, बस नीचे की 2 लेयर और बची हैं। और गाइज यार ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था कि मैं ये जो चंक माइन कर रहा हूँ ये मैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास ही माइन करने लग गया, और इधर मैंने ऑलरेडी अपनी डायमंड की माइन बना रखी थी, जिसकी मैंने इतनी बुरी हालत कर रखी है कि क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो। गाइज इस माइन में मैंने इतनी माइनिंग की है, वैसे आपने ओल्ड एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने कितने डायमंड्स निकाले हैं इस वाली माइन से।
तभी तो अपना डायमंड बीकन बना था। बाकी गई जब ही जो है चंक को चलो मैं फाइनल कर ही देता हूँ, क्योंकि बस दो लेयर और बची हैं, फिर इसके बाद बेडरॉक आ ही जाएगा। और ये लो गई जी, फाइनली अभी हम अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं बेडरॉक तक। मैंने सारे ब्लॉक्स को माइन कर लिया, अभी तो बस ये बेडरॉक ही बचा है। और किसी किसी बेडरॉक ब्लॉक के नीचे ना कोई कोई ब्लॉक ना छिपा हुआ है, तो मैं इनको ना ढूंढ ढूंढ कर निकालूंगा। मुझे गई जी एक भी ब्लॉक छोड़ना नहीं है, तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से इसको माइन कर रहा हूँ, इसने दिमाग ख़राब कर लिया, अब जाकर बेडरॉक हाथ में आया है। बाकी तो गई जी अभी आप तालियां बजा सकते हो या कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने अपना मुकाम हासिल कर लिया। इतने दिनों से हम जो मेहनत कर रहे थे इस चंक को माइन करने में, अभी हमने कंप्लीट चंक को माइन कर लिया। अभी बारी है आगे इस चंक का क्या करेंगे, तो बताओ गई जी इस चंक के अंदर आगे क्या करा जाए। इसके अंदर कोई ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए या इसके अंदर अंडरग्राउंड बेस बनाया जाए। बाकी तो यार ये चंक इतना गहरा है कि इसके अंदर आदमी ऊपर से गिर जाए तो नीचे आते आते 3 बार मरे। एक बार बीच में मरेगा रिस्पॉन होगा, फिर से बीच में मरेगा फिर से रिस्पॉन होगा, फिर नीचे जाकर गिरेगा फिर रिस्पॉन होगा। इतना गहरा चंक माइन कर दिया कि 3 बार बंदे मरेंगे इसमें। खुद ही देख लो गई जी कितना गहरा और डरावना गड्ढा है। अगर गई जी मुझे बेडरॉक को तोड़ने का कोई आइडिया मिल जाता ना, तो यार मैं बेडरॉक को भी तोड़ देता और इसको ना पूरा वॉइड तक ले जाकर छोड़ता। लेकिन पॉकेट एडिशन में ऐसे बेडरॉक टूटता नहीं। बेडरॉक ब्लॉक हम कलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एंड पोर्टल पे, क्योंकि उधर दोबारा से जनरेट हो जाते हैं ना, इधर कोई चांस नहीं। तो ये ट्रिक इधर वर्क नहीं करेगी, और ये नीचे की तरफ आ रही हैं तो इधर के बेडरॉक टूटेंगे भी नहीं, वरना मैं ट्राई तो करता इनको तोड़ने की। तो चलो गई जी अपना काम तो खत्म हो चुका है। इसी बात पर आपको एक और मौत का खेल दिखा देता हूँ। बॉट आज करेगा बहुत लंबी MLG। अरे अरे वो यार गेम कैसे अटक गया गई जी, अब मैं गया गई जी पक्का गया। ये MLG तो हो गई। ओ गई जी आई कांट बिलीव इतनी बड़ी MLG मैंने की तो करी कैसे। लगता है चमत्कारी बाबा की शक्तियाँ अभी मेरे साथ वापस आ चुके हैं, तो धन्यवाद बोलो चमत्कारी बाबा के लिए और कर दो वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। बताना गई जिस वाले चंक का क्या करें और अगले वाले एपिसोड में क्या करना चाहिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी लाइक करना।